It's all about God's plan, man. तो जितनी भी परेशानी थी मेरी लाइफ में, घर भर की, ये वो सब केकेआर की वजह से, जब केकेआर ने मुझे पिक किया सिलागुर में। रिंकू सिंह के 5 छक्कों ने उनकी पूरी तरह से जिंदगी बदल के रख दी, पूरी लाइफ चेंज कर दी, मतलब पूरा माहौल चेंज कर दिया। हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है, हर कोई उनके बारे में सर्च कर रहा है। आलम यहाँ तक कि हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को रिंकू सिंह ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे में आप सभी के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लिखा है रिंकू सिंह के बारे में, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिंकू सिंह के फैन हैं तो आप सभी के लिए एक प्राउड वाली बात है जो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हो तो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे अगले वीडियो के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रिंकू सिंह के 5 छक्के मारने के बाद, एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने के बाद आईपीएल में, ऐसा कोई बड़े से बड़ा प्लेयर नहीं छुटा हो जिसने रिंकू सिंह के बारे में तारीफ न की हो, ट्वीट न किया हो, इंस्टा में कोई स्टोरी न डाले हो। मतलब कई बड़े 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 क्रिकेटर है, सारों ने स्टोरी डालते हुए उनके बारे में ढेर सारी तारीफ की। लेकिन ऐसे में रिंकू सिंह के 5 छक्के मारने के बाद बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह यानी के SRK ने उनको खुद कॉल करा। अच्छा, शाहरुख खान से बात हुई आपकी कि नहीं हुई? हाँ हुई थी सर, सर का कॉल आया था, बात हुई थी सर, थोड़ी बहुत बात हुई थी। मतलब मैं इतनी करीब थी, बात थोड़ा शर्म आ रही थी बात करने में। तो वो पठान वाला स्टेप तो नहीं किया आपने वहाँ पर उनके साथ? नहीं नहीं वो नहीं किया सर। मतलब अपना में बड़ी बात है कि खुद किंग खान मतलब कॉल कर रहे हैं, अपना में बड़ी बात है। और इसी बता दो, रिंकू सिंह का एक इंटरव्यू भी डाला गया KKR के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे रिंकू सिंह ने बोला कि मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी KKR ने। आप सबसे पहले वो छोटा सा वीडियो देख लीजिए। प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार है भाई, बहुत KKR ने मेरी लाइफ बनाई है। हाँ पता ही है, सबको पता है कि हमेशा खुश रहता है और टीम का माहौल उसकी वजह से अच्छा रहता है, दुखी नहीं रहता, हमेशा स्माइल रहती है उसकी फेस पर, तो इसलिए सब पसंद करते हैं मुझे। जो जितनी भी परेशानी थी मेरी लाइफ में, घर भर की, ये वो सब KKR की वजह से, जब KKR ने मुझे पिक किया सिलागुर में, तो इतना पैसा हमारी फैमिली ने नहीं देखा था यार, बहुत पैसा होता है सिलागुर में। मेरे कहाँ पापा की 10-12 हज़ार तनख्वाह थी, प्राउड महसूस कर रहे थे घर वाले। फिर अगले दिन बता रहे थे कि यार हम तो परेशान हो गए, मीडिया इतनी आ रही है और हम तो बोल ही नहीं पा रहे। मैंने कहा अब तो झेलना पड़ेगा भैया। जैसा कि आपने वाला स्टोरी देख ही रहा होगा, KKR ने पूरी तरह से जिंदगी बदल के रख दी रिंकू सिंह की। लेकिन ऐसे में कई सारी अभी खबरें निकल कर आ रही है कि SRK ने 5 छक्के मारने के बाद, यानी कि रिंकू सिंह के 5 छक्के मारने के बाद खुद कॉल किया और उसी के साथ उनको एक बड़ा इनाम देने का वादा भी किया। ऐसी कई सारी अंदर की खबरें निकल कर आ रही है कि उनको खुद SRK 1 करोड़ रुपए का इनाम देने वाले हैं। मतलब ऐसे में आप सभी सोच सकते कि SRK के लिए वो क्या बन चुके हैं। मतलब SRK का उन्होंने पूरी तरह से दिल जीत लिया है। पहले SRK ने अपने अपना बच्चा मान लिया और उसी के साथ खुद कॉल किया और अब एक बड़ा इनाम देने का भी बोल रहे हैं। ऐसे में आपसे बता दूं, कई सारी खबरें निकल कर आ रही है। किंग खान है वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो रिवील नहीं करते। मतलब कई सारे आपसे बताओ, मीट फाउंडेशन के तरीके सारों की मदद करते हैं। और ऐसे में आपसे बताऊँ कि रिंकू सिंह एक मिडिल क्लास से निकल के आते हैं, मतलब एक गरीब फैमिली से निकल के आते हैं, जहाँ पे उनके जो अब्बू है गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम करते हैं, उनका भाई ऑटो चलाता है। ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं SRK एक बड़ा इनाम देने वाले, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसी के साथ वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना, फैलाइए, लोगों को बताइए। अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है, अगर आपके अंदर कोई कुछ करने की ताकत हिम्मत है, तो आप भी एक दिन चमकोगे, वो भी सिर्फ 7 या 8 मिनट के अंदर, जैसा रिंकू सिंह चमके। लेकिन वो 7-8 मिनट की मेहनत नहीं थी, वो कई दिनों का स्ट्रगल था, वो कई सारी बातें थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें करके दिखाया मैंने। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत ही मोटिवेशन मिले ये वाली वीडियो से। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।